राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में चुनावी यात्रा के दौरान नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह भेड़म से हमारे संवाददाता दीपक लवानिया ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश, किसका होगा राजस्थान। समाचार प्लस की टीम विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है और इस दौरान हमारी मुलाकात हुई है नगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जवाहर सिंह बेड़म से। जवाहर सिंह बेड़म पूर्व में डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा की जो पहली सूची आई थी उस पहली सूची में ही इनका नाम नगर विधानसभा सीट से फाइनल हुआ है। बहुत बधाई है तो आपको समाचार प्लस की ओर से, आपको भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया दोबारा से। पहले कामा से आपने चुनाव लड़ा, अब नगर से चुनाव। धन्यवाद आदरणीय दीपक जी। किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे जैसे एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को अपना मंच उपलब्ध कराया है। नगर में प्रदेश स्तर के भी मुद्दे हैं और स्थानीय स्तर के भी मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरह से पिछले 5 साल में तुष्टिकरण हुआ है, यहाँ गौ तस्करों को खुली छूट मिली है, गौरक्षा चौकियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगी थी उनसे जाब्ते हटा लिए गए, यहाँ विभिन्न प्रदेशों की पुलिस पड़ी रहती है, यहाँ ठगी का कारोबार बढ़ा है निश्चित रूप से, और विकास के नाम पर हम देखें तो विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पूरी जनता त्राहिमाम है। और प्रदेश स्तर पर और यहाँ भी जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़े हैं, राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, यहाँ भी नगर में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरेआम नगर के बाजार में एक अबला का हाथ पकड़ लिया जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, नगर के एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पर झूठा हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर और उसको गिरफ्तार कराने के लिए दबाव बनाने के लिए हरियाणा तक के लोग आकर के थाने पर दबाव बनाते हैं। इस तरह की अराजकता एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं 5 साल में हुई हैं। यहाँ की जनता स्पष्ट रूप से मान चुकी है, मैं पिछले जिस दिन से टिकट घोषित हुआ है उस दिन से तो प्रत्याशी के रूप में और पहले से कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में हूँ। जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब की बार नगर से सिर्फ जवाहर कमल का फूल वो अपने दिल में बैठा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। जवाहर जी, आपका टिकट जैसे ही फाइनल हुआ तो बड़ा लोगों ने विरोध भी किया है, आपकी पार्टी के लोगों ने, तो जो आपसे रूठे हुए हैं क्या उनको मनाने के प्रयास भी किए आपने? देखिए, यहाँ कोई विरोध नहीं हुआ, एक अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त की थी कुछ साथियों ने और वो सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कहीं विरोध की जैसी बात है या उनके मन में कोई दूसरी बात है। मैं स्वयं भी मिला हूँ और मेरी बातें भी करीब करीब सबसे हुई है, सब लोग समर्थन में भी हैं और जो सक्रिय भी नहीं हुए हैं उनसे दोबारा मुलाकात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मिलूँगा। सब लोग पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। आपकी टक्कर हम कांग्रेस से माने या भीम आर्मी से, जो नेम सिंह पौदार जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, आपकी पार्टी के ही हैं, आपकी पार्टी से बगावत की है, किससे टक्कर मान रहे हो आप? यहाँ भारतीय जनता पार्टी से किसी की टक्कर ही नहीं है, इतने पीछे हैं कि आप सरप्राइज होगा जिस दिन मतपेटियाँ खुलेंगी। यहाँ की जो जनता है, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ लेकिन आत्मविश्वास इतना हो रहा है, जनता का प्यार इतना मिल रहा है तो 60% से ज़्यादा वोट अकेली भारतीय जनता पार्टी उठाएगी जो मतदान होगा उसका। तो ये हमारे साथ थे नगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जवाहर सिंह बेड़म, जो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जो विफलता है उसका फर्क इतना होगा कि नगर में भाजपा को, नगर की जो सीट है वो भाजपा के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, भरतपुर जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, खासकर नगर की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवालिया निशान लगाए। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस नगर।